आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम व ताजा तरीन खबरों की जानिब। नीरज पनवार के घर वालों ने उनके बेटे के खातिलों को देखने का किया मुतालिबा। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ शाहिनायतगंज पुलिस स्टेशन से डीसीपी बेस्ट जोन ऑफिस के लिए रवाना हुए। शहर हैदराबाद में आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस बात पर टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा, मोदी है तो मुश्किल है। जराये से मिली इतला के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल नहीं करेंगे एयरपोर्ट पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 26 मई को आने वाले हैं हैदराबाद में। बेगम बाजार के इलाके तमाम कारोबारियों ने मिलकर किए एहतजाज और अपने दुकानात बंद करते हुए एहतजाज किया गया। कल देर रात इंटरकास्ट शादी करने पर नीरज नामी 22 साल नौजवान का बेरहमाना अंदाज में बीच रोड पर कत्ल कर दिया गया, जिसके इंसाफ के लिए एहतजाज दर्ज किया गया। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुलाकात किए एसपी सदर अखिलेश यादव से। मुल्क में चल रही सियासत के ताल्लुक से बातचीत किए। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। सीएम केसीआर दिल्ली में एक हफ्ते के लिए दौरा करते हुए शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। शी टीम रचाकोटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 73 ईएफ टीजिंग और पिछले 8 हफ्तों में 11 चाइल्ड मैरिजेस को रोका गया। दिन पे दिन शी टीम रचाकोटा मजबूत बनते जा रही है, खवातीन के लिए महफूज माहौल बना रहे हैं। इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में 2323 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। फिलहाल इंडिया भर में एक्टिव कोरोना वायरस केसेस 14,996 है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के नतीजे ऐलान कर दिए गए। फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर यूजी के नतीजे ऐलान किए गए। कैंडिडेट्स जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एग्जाम दिए थे वो अपना नतीजा चेक कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। इंडिया में एक और खतरा, इंडिया में फैल रहा है मंकी पॉक्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को हिदायत दिए मंकी पॉक्स के हालात पर खास नजर रखी जाए। नॉर्थ कोरिया में 2,20,000 जानलेवा बुखार के केसेस कंफर्म किए गए, जिससे 2 अफराद की अभी तक मौत हुई। नॉर्थ कोरिया में दोबारा कोरोना वायरस का कहर देखा गया। शहर हैदराबाद में सब्जियों में सबसे महंगी सब्जी प्याज और टमाटर बन चुके हैं। प्याज और टमाटर की कीमत में इजाफा देखा गया। टमाटर की कीमतों में लगातार इजाफा होते जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक जून तक सब्जियों की कीमतों में इजाफा होते रहेगा। शदीद तरीन गर्मी के चलते अचानक पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखा गया। टमाटर की कीमतों में इजाफा देखा गया। शहर में शदीद तरीन गर्मी की वजह से किसानों को परेशानियां पेश आ रही हैं, जिससे खेती बाड़ी में परेशानियां पेश आ रही हैं और गर्मी की वजह से खेती खराब हो रही है, जिससे शहर में टमाटर की कीमतों में इजाफा होते जा रहा है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।